नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के क्रम में रीवा में 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। बेटियों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में रोचक और मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जनजातीय कार्य विभाग के तहत संचालित अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की छात्राओं ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में मधुर लोक गीत और लोक नृत्य प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। आदिवासी छात्राओं ने ढोलक की ताल पर जब लोक गीत सोहर बाजे है आज बधैया जन्म लिहिस बिटिया गाया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उत्तर भारत में सोहर लोक गीत परंपरागत रूप से बेटे के जन्म पर जाता है। अब समय के साथ पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुए हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तथा महिला सशक्तिकरण के अन्य प्रयासों ने परिवार और समाज में बेटियों को ऊंचा स्थान दिया है। अब बेटी के जन्म पर भी परिवार के लोग उसी तरह खुश होते हैं जैसे बेटे के जन्म पर खुश होते हैं। कई परिवारों में अस्पताल में जन्म लेने के बाद जब लाडली लक्ष्मी घर आती है तो फूलों से माता और कन्या शिशु का स्वागत किया जाता है। बेटियों का जन्म उत्सव मनाना और मंगल गीत गाना अब सामान्य बात हो गई है। बेटियां समाज के हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं। माता पिता की सेवा करने में भी वे बेटे से कहीं आगे हैं। रीवा की ही बेटी अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर प्लेन चलाने वाली महिला पायलट है। लाडली लक्ष्मी उत्सव में छात्राओं द्वारा बघेली तथा अवधि में प्रस्तुत बेटी के जन्म के मंगल गीत ने सामाजिक परिवर्तन और बेटियों के उत्थान को बखूबी प्रस्तुत किया। पंडाल में गूंजने वाली तालियों ने इसका भरपूर समर्थन किया। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए के रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।